लोगे, फखर जमान भी आउट हो गया, अब कौन पीछे कौन रह गया। हाँ जी मामू कोई बात नहीं अभी है। Assalamualaikum, welcome back to the another vlog. यार आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। अच्छा है 28 अगस्त है आज, तो सुबह से बस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुआ हूँ मैं। सुबह से 12 बजे मैं उठ गया था और उसके बाद बस यही वेट है कि 7-7:30 जैसे ही होते हैं मैच, हम एंजॉय करें, देखें कौन जीतता है कौन हारता है। मेरा तो यार बहुत ज्यादा है कि पाकिस्तान किसी तरह जीत जाए, उम्मीद तो बहुत ज्यादा है कि पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन इनका कोई पता नहीं ना कि कुछ भी हो सकता है। खैर अच्छा अभी जो सा है टाइम हो रहा है 6:30 का, तो अभी पापा मेरी बैट भी लगी है। पापा कहते हैं कि इंडिया जीतेगा, मैं कहता हूँ नहीं पाकिस्तान जीतेगा। तो अगर जो हार गया उनमें से वो खिलाएगा रात को पराठा रोल, तो उसका भी बहुत ज़्यादा अभी लगा हुआ है कि यार पराठा रोल अगर मैं हार गया तो भी मुझे खिलाने पड़ने हैं। खैर अभी सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे रह गया, मैं अभी चिप्स वगैरह ले आया था साथ चॉकलेट्स वगैरह, वो आपको दिखाता हूँ अभी कि मैं भाई बाबा वगैरह भी वेट कर रहे हैं, उनसे भी उनसे पूछते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ठीक है तो आपको भी दिखाता हूँ। यार ये अभी लेके आया हूँ मैं, ये किटकैट ले आया हूँ, ये मुझे मिली थी ये ले आया हूँ, मैंने कहा चलो मैच के साथ इंजॉय करेंगे। यार मैच स्टार्ट होने वाला, लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही, अब लाइट का मैं वेट करूँ क्या करें यार, अब यूपीएस पे ऐसी वो चलता नहीं टीवी, बंदा क्या कर सकता, वेट ही कर सकता। जी कौन जीतेगा फिर आज? नो कमेंट्स। बताओ फिर। मैंने आज मुबीन से जो था ना 3 पराठे रोल खाने हैं मैंने और 2 मेरी बेटी। अच्छा, ने सही। क्योंकि मुबीन आज हार जाता। यार पाकिस्तान आज जीत रहा, पापा कह रहे हैं इंडिया जीतेगा, तो हमारी बैट लगी हुई है पापा मेरी, तो पापा कहते हैं इंडिया जीतेगा भी जीतेगा, देख लेना। चलो देख क्योंकि जो इस वक्त ऊपर बैठे हुए हैं ना उन्होंने समझ गया ना। खैर चलो कोई नहीं, अब देखते हैं कौन जीता है। इधर मेडिकल करो जी। पहले था क्रिकेटर इमरान खान, उसको पता था क्रिकेट कौन सी गेंद कहाँ फेंक दिया, तो अब जो बैठे हैं ना उनको क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए हाँ ये भी है। खैर चलो अब देखते हैं, अब कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए मैच में, बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। हाँ जी मामू कौन जीतेगा फिर आज? इंशाल्लाह पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान बाबर आजम है इस टीम में और इंडिया का जो विराट कोहली है वो कैप्टन से भी हट गया। हाँ रोहित शर्मा को कैप्टन आती ये बात है। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। पापा कह रहे हैं, पापा मुझे कह रहे हैं कि इंडिया जीतेगा, पापा तो कह रहे हैं तो इंडिया जीतेगा मामू है। पापा नहीं पाकिस्तान जीतेगा क्योंकि हम यानी खुद पाकिस्तानी और हमें अपनी टीम पे नाज है। नाज तो है लेकिन बैट लगी है ना पापा से, बैट तुम ही जीतोगे। मैं जीतूंगा, मैं ही जीतूंगा बैट ना। मामू को मैंने कॉल किया, मैं कहा मामू आज जरा मामू के साथ जरा फ्रैंकनेस बहुत है, तो मामू को मैं कह रहा था कि आज वो मैच इकट्ठे देखते हैं, तो मामू आ गए, तो अब इकट्ठे इंशाल्लाह मैच देखेंगे। अब थोड़ा ही टाइम रह गया, आधा घंटा रह गया स्टार्ट होने में मैच। यार अभी हमारी लाइट आई है तो अभी देखा टीवी ऑन की है तो 10 ओवर में 72 स्कोर हो गया है, ये देखें अभी लाइट आई है बिल्कुल ना, तो ये 2 आउट हो गए हैं यार। खैर चलो कोई नहीं, चल रहा है अभी मैच, बच गया बच गया। चलो यार अभी मैच अभी चल रहा है, जैसे मैच खत्म होता फिर मिलते हैं आपसे। ओके भैया रिजवान भी आउट हो गया, ठीक है सारे आउट हो गए, बाबर आजम भी आउट हो गए, फखर जमान भी आउट हो गया, अब कौन पीछे कौन रह गया। हाँ जी मामू कोई बात नहीं अभी है, मोहम्मद आसिफ है मारेगा इंशाल्लाह। ओ दे के इंडिया ही जीतेगी, नजर आ रहा था भैया, नजर आता है। सही सही, अभी तो पड़े हुए हैं पीछे अपने ना भांजे को आप प्लीज कह दे, आपने गारंटी दी है ग्रंटर, ये 3 मैंने आलू वाले मैंने खाने हैं, 2 एक ने खाने हैं, 2 एक ने पराठे रोल और हम एंजॉय करेंगे। यार मैच जब होगा ना फिर आप भी देख लेंगे, ठीक है ना, अभी पूरा मैच नहीं हुआ। यार पाकिस्तान में 148 का टारगेट दिया है, 147 स्कोर है, स्कोर कुछ अच्छा तो नहीं है लेकिन चलो कोई नहीं,
बस फाइटिंग थोड़ा स्कोर है, फाइटिंग हो जाएगी। अगर अच्छी बॉलिंग करते हैं तो जीत भी सकते हैं, कोई कुछ कहीं कह सकते हैं इस टाइम। लेकिन पापा बड़े खुश हैं, कहते हैं कर लेगा इंडिया कर लेगा। फिर उसके बाद मैंने पराठा रोल खाने जाना है, मैंने कहा नहीं कर लेगा इंशाल्लाह हम जीतेंगे। तो अब देखते हैं अब क्या होता है आगे। लेकिन इतना कोई अच्छा नहीं खेला आज पाकिस्तान। खैर चलो कोई नहीं, इंशाल्लाह अभी देखते हैं बॉलिंग शायद हो सकते अच्छी करने। यार स्टार्ट होने लगा मैच, अब पाकिस्तान की बॉलिंग है, मैच बिल्कुल स्टार्ट होने लगा। तो अभी बस ये दिखाता हूँ आपको। पहली बॉल में आउट हुआ, आउट हो गया भैया, आउट हो गया पहली बॉल पे आउट ही है। देखे हो गया, ओए पहली बॉल में आउट। अब ये नमाज पढ़ते हुए आए पराठे रोल, पराठे रोल चले गए आज तो। ओए यार ये देखो इनको, देखो इनको तो अस्तगफिरुल्लाह, देखो गोली आउट हुआ। ये देखिए ये शॉट और ये क्या, चिकन रोल खिलाएंगे पाकिस्तान। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी आप खिलाएंगे सही। यार एक और आउट हो गया, चेक करो विराट रोहित शर्मा आउट हो गया कैच आउट। हाँ इधर इधर देखो जी शक्ले, इधर शक्ल देखो। और पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। यार एक चौका लगा है ठीक है, तो एक चौका लग गया और ये तो इधर देखो पेड़े बनने शुरू हो गए हैं। जो आपने वो रोल खाने है ना पराठा रोल, उसके पेड़े बना बना के रख रहे हैं, तो अब शुरू हो गया। नहीं होता चलो इधर, ये देखो ये देखो बोल बोल बच गया। यार क्या छूट गया यार, मुश्किल था चलो कोई नहीं। ओए यार व्हाट अ ग्रेट बॉलिंग, ये देखे थोड़ा सा हम पाकिस्तान के साथ हैं हमेशा, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। ऐसे लगेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, इंडिया की ऐसी की तैसी, हमेशा पाकिस्तान के साथ रहते हैं। हाँ जी। सो यार फाइनली मैच अब खत्म हो चुका है और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान मैच हार चुका है। चलो कोई नहीं, होता रहता हार जीत, साथ ही चल रही है, चलती है जिंदगी। लेकिन फाइटिंग करके हारे हैं, ये नहीं कि वन साइड मैच हो गया, फाइटिंग करके हारे हैं। तो बड़ा अच्छा लगा मैच देख के, बड़ा मजा आया मैच देख के, आखिरी बॉल तक फाइटिंग हुई है। तो ये अब कह रहे हैं कि खिलाओ ही ने, हम जीत गए हैं पराठा रोल। हम पराठा रोल जीत गए हैं। हाँ पराठा रोल अब ये जीत गए, अब इनको पराठा रोल खिलाना पड़ेगा वरना इन्होंने सोने नहीं देना। तो अब चलते हैं या घर ऑर्डर करते हैं अभी, फिर देखते हैं क्या करते हैं। ओके तो जी फाइनली फिर अब बाहर तो नहीं जा रहे, मैं क्या घर पे मुकवा लेते हैं। फाइनली आ गया ये पराठा रोल घर पे, पापा को मैं ट्रीट दे रहा हूँ। यार अब क्या कर सकते हैं, पैसे लग गए अब। खैर चलो कोई बैठ थी, ये देखो जी इंजॉय मजेदार खाते हुए। हाँ जी पापा कैसा मजेदार मजेदार है। चलो अब खाना स्टार्ट करता हूँ मैं अभी इस लोगों को, फिर इधर ही एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं ये लोग आपको पसंद आया होगा। इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।